हेलो दोस्तों, सनम बुटीक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस सूट की कटिंग करना सिखाऊंगी। देखो, पहले हम कपड़े को खोलेंगे। ये इसका सूट का कपड़ा है, ये इसकी बॉटम। बॉटम को हम साइड रख देंगे और ये जो पट्टी इसके सामने लगी है पहले हम इसको खोलेंगे। और ये जो घेरे पे पट्टी लगी है हम इसको भी खोल लेंगे, क्योंकि ये हल्की फुल्की तिरछी होती है, इसमें फिनिशिंग नहीं होती, तो इसको भी हम खोलेंगे। और आगे और पीछे दोनों हिस्से देखो ज्वाइंट है, इनको भी हम अलग कर लेंगे। ये हमने देखो सभी पीसों को अलग कर दिया है, आगे पीछे के हिस्से को अलग कर दिया है। और जो इसके सामने में ये जो बॉर्डर पट्टी थी इसको भी निकाल दिया, घेरे वाली पट्टी को भी हमने निकाल दिया। तो पहले देखो हम सामने वाला हिस्सा उठाएंगे और इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। बीच सेंटर से ही इसको फोल्ड करेंगे। ये कपड़ा चौड़ाई में ज्यादा नहीं है, तो इसको हम पहले देखो नाप के देखेंगे। तो ये 14 इंच आ रहा है, तो हमें ये 14 इंच ही चाहिए था। ये कपड़े को हमने ऐसे फोल्ड कर दिया है, तो पहले हम सामने वाला हिस्सा कट करेंगे, फिर बाद में पीछे वाला हिस्सा कट करेंगे। तो देखो इसकी यहाँ पे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो हमारा तिरछा है इसको हम सीधा कर लेंगे। तो देखो पहले मैं आपको नाप समझा देती हूँ। शोल्डर है इनका 15 इंच, चेस्ट है 42 इंच, कमर है 38 इंच, हिप है 48, आर्मोल 18 इंच, आगे का गला हम 7.5 रखेंगे, पीछे का 9 इंच, और सूट की जो टोटल लंबाई हम 41 इंच रखेंगे, बाजू की लंबाई 4.5 यानी कि 4.5, मोरी जो रखेंगे 14 इंच रखेंगे। इस मेजरमेंट पे हम कट करेंगे। तो पहले देखो हम लंबाई का निशान लगाएंगे, इंची टेप को ऐसे रखेंगे और इसकी लंबाई का निशान लगा देंगे। लंबाई है 41 इंच, उसमें हम 1 इंच बढ़ा देंगे, क्योंकि नीचे हम बॉर्डर पट्टी अटैच करेंगे, तुरपाई नहीं करेंगे, तो उसके लिए हमें 1 इंच का ही मार्जिन चाहिए। 1/2 इंच इधर में चला जाएगा और 1/2 इंच शोल्डर ज्वाइंट करते टाइम, तो टोटल हमें मार्जिन 1 इंच ही चाहिए। लंबाई का निशान हो गया। इनकी जो आर्मोल लेंथ हम रखेंगे 7.5 इंच पे रखेंगे, कमर रखेंगे 15 इंच पे, और हिप जो खोलेंगे हम 22 इंच पे। और एक निशान हम इनकी बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे, बस्ट पॉइंट हम लगाएंगे 11.5 इंच पे। सभी निशानों को सीधा कर लेंगे। अब इनकी फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो देखो इनकी जो चेस्ट है लूजिंग देने के बाद में 42 इंच, 42 का हमने चौथा भाग करके निकाला है, तो 10.5 इंच, 10.5 इंच पे निशान लगा देंगे। सेम निशान हम इधर भी लगाएंगे 10.5 पे। और कमर है इनके 38 इंच, तो उसका चौथा भाग करके हमने निकाला है 9.5 इंच। हिप है 48 इंच, 48 का चौथा भाग किया तो आया 12 इंच। ये हमारे सभी नाप पहले से ही हमने इसमें लूजिंग डाल रखी है। सभी निशानों को आपस में ऐसे मिला देंगे। और जो इनका घेरा रखेंगे वो भी एकदम स्ट्रेट ही रखेंगे, तो 12 इंच हम घेरे का निशान लगा देंगे। 12 इंच पे हम घेरे का निशान लगाएंगे। इस निशान को भी हम सीधा कर देंगे और ये हम एक्स्ट्रा तुरपाई फोल्ड के लिए रख लेंगे। इधर भी हम एक्स्ट्रा रख देंगे मार्जिन। इनका जो हम फ्रंट रखेंगे वो 6.25 इंच रखेंगे, तो 6.25 इंच पे निशान लगा देंगे। और शोल्डर रखेंगे हम 5.5 यानी कि 5.5 इंच पे, 5.5 इंच पे निशान लगा देंगे। निशान को मिला देंगे और इधर आर्महोल की शेप देंगे। ये जो शेप हम देंगे ज्यादा ऊंची नहीं देंगे, इसको हम थोड़ा नीचा ही करके रखेंगे ऐसे। और ये जो कंधे डाउन करेंगे हम 1/2 इंच करेंगे। और गले की जो चौड़ाई इस साइज में हम रखेंगे 3 इंच, टोटल होगी 6 इंच।
इस निशान को भी मिला देंगे। इसके आर्म होल के राउंड को भी देखो हम नापेंगे। ये जो हमारा बॉडी मेजरमेंट था 18 इंच, तो ये कटिंग पे हमारा कितना आना चाहिए, सिलाई मार्जिन छोड़ देना है, ये 10.5 इंच। तो ये आर्म होल का राउंड बिल्कुल परफेक्ट है साइज के हिसाब से। तो इसको देखो हम कट कर लेंगे। इधर 1/2 इंच पे हम एक कट लगा देंगे जो हमने एक्स्ट्रा लिया था। ये सामने का हिस्सा कट हो गया, बैक हिस्से के लिए ये हमारा कपड़ा है तो इसको बिछाएंगे। देखो इसको हम उल्टा करके ही बिछाएंगे, उल्टा साइड हम अंदर की तरफ में रखेंगे। इसको हम एक साइड से फोल्ड करेंगे और ये फोल्ड देखो हमें कितना देना है। सामने वाला हमने 14 इंच दिया था तो ये भी हमें 14 इंच ही चाहिए। पीछे के हिस्से के लिए देखो हमने कपड़े को ऐसे फोल्ड कर दिया है। अभी सामने वाला हिस्सा उठाएंगे और इसके ऊपर में ऐसे रख लेंगे। ऊपर से हम 1/2 इंच छोड़ देंगे, 1/2 इंच नीचे करके इसको ऐसे इसके ऊपर अच्छे से बिछा लेंगे। ये देखो हमने इस हिस्से को इसके ऊपर में अच्छे से बिछा दिया है। अब यहाँ से इसको नापेंगे कितना है, ये हमारा 1/4 इंच है तो 1/4 इंच ही हम पीछे वाले हिस्से को एक्स्ट्रा रखेंगे और यहाँ से हम रखेंगे 1/2 इंच ज़्यादा, क्योंकि बैक पल्ले को हम हमेशा 1/2 इंच उठा के कट करते हैं। इस निशान को हम इस निशान से ऐसे मिला देंगे और इधर हमारी फिटिंग आएगी तो इस निशान को हम यहाँ पे ले जाएंगे। बाकी जो हम कट करेंगे सेम कट करेंगे, ओनली तुरपाई फोल्ड का नीचे के हिस्से में एक्स्ट्रा रखेंगे। यहाँ से देखो जो हमारा ये है इसको पूरा रख देंगे, क्योंकि नीचे पीछे वाले हिस्से में हम तुरपाई करेंगे तो उसके फोल्ड के लिए हमें एक्स्ट्रा चाहिए। तो यहाँ तक होगा, इसको हम यहाँ पे कट लगा देंगे। एक कट हम फिटिंग की जगह लगाएंगे और जहां पे हम हिप खोलेंगे वहां पे। ये हमारे आगे और पीछे के पार्ट कट हो गए। सामने का गला जो हम तैयार रखेंगे 7.5 इंच, तो हम 1/2 इंच बढ़ा के निशान लगाएंगे। इस पे हम कट नहीं करेंगे, मैं आपको निशान लगा के दिखा रही हूँ। इसको हम बुकरम के ऊपर भी बनाएंगे। यहां से हम 3 इंच रखेंगे, सेम 3 इंच हम यहाँ भी रख देंगे। कोई भी शेप देना, मैं आपको ऐसे स्वीट हार्ट की शेप देके दिखा रही हूँ, ठीक है। सामने का ऐसे हो जाएगा और पीछे का सेम वही रखना है, 3 इंच चौड़ाई रखनी है। पीछे का गला हम 9 इंच बनाएंगे तो 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से ब्रॉड भी हम 3 इंच ही रखेंगे और ऐसे बॉक्स बना लेंगे। इसमें भी आपकी मर्जी है, कोई भी शेप देना, मैं आपको ऐसे राउंड गले की शेप देके दिखा रही हूँ। तो ये हमारा आगे पीछे का हिस्सा कट हो गया। अब इसकी बाजू कट करेंगे। देखो अगर आपका सेम साइज है तो आप सेम साइज कट कर सकते हो। वैसे 42 साइज में थोड़े थोड़े बदलाव होते रहते हैं, जैसे कमर इनकी 38 है, आपकी 1 इंच 1/2 इंच कम या ज्यादा हो सकती है, तो उसी के हिसाब से कट करें। हिप में भी ऐसा होता है, किसी की ज्यादा होती है किसी की कम होती है, तो उसी हिसाब से कट करें। और शोल्डर भी इस साइज में किसी के 15 15.5 आगे पीछे होते हैं, तो आप बॉडी मेजरमेंट जरूर लें फिर उसी के हिसाब से कट करें। अगर सेम है तो आप सेम टू सेम कट कर सकते हो। ये पीछे के पार्ट दोनों कट हो गए, अब इसकी बाजू कट करेंगे। ये देखो हमारा बाजू के लिए कपड़ा बचा है तो इसको हम ऐसे डबल करेंगे। बाजू तो हम इसमें 1/2 ही कट करेंगे।
कपड़े को हमने डबल कर दिया, फिर हम इसको फोर फोल्ड कर देंगे। अभी देखो हमने नीचे से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है तुरपाई फोल्ड के लिए, तो पाइप फोल्ड के लिए ये एक्स्ट्रा रखेंगे तो इसका लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से हम इसकी बाजू की लंबाई का निशान लगाएंगे। बाजू की लंबाई हम रखेंगे 4.5 इंच, इस निशान को भी सीधा कर देंगे और यहाँ से हम रखेंगे 4.25 इंच, 4.25 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से रखेंगे 8.5 इंच, यहाँ से भी हम 4.25 इंच पे निशान लगा देंगे और यहाँ से ऐसे आर्महोल की शेप दे देंगे। और इनकी जो मोहरी रखेंगे 7 इंच है, उसमें हम 1/2 इंच लूजिंग डालेंगे तो 7.5 इंच पे निशान लगा देंगे, ये हम एक्स्ट्रा मार्जिन रख देंगे। ये देखो हम हल्का थोड़ा तिरछा कट करते हैं तो इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो इसके बराबर में आएगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। अभी दो हिस्से उठाएंगे ऐसे, अब कोई भी हिस्से उठाना इस साइड या उस साइड, और 1/2 इंच के ऐसे छटाई कर देंगे। ये छटाई हम सामने वाले हिस्से की करते हैं, अच्छी फिटिंग के लिए ये छटाई की जाती है। बाजू भी कट हो गई, सूट की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना।